तो ये देखो, आपको दिख रहा होगा, ओ देखो मेरे जैसे ही तैर रही है तेरी देखिए जरा तैयार होगी हमारी कड़ी पकोड़े और चावल। वेलकम बैक टू द चैनल। सो टीका अभी तक लगा हुआ है क्योंकि आज भी होली है, दो दिन होते हैं होली के, है ना हम लोग, मुझे नहीं पता कौन से दिन मनाते हो, जो भी है हैप्पी होली फिर से। और अभी फ़िलहाल मॉर्निंग के मतलब 10:30 हुए हैं और मैं जा रहा हूँ सौरभ के रूम पे। अगर तुम लोगों ने पुराना लाइव फॉलो किया होगा तो हमने बोला था कि अगले वीक मतलब वीकेंड में हम जो है सौरभ जो है खट्टी खट्टी कड़ी बना के खिलाएगा। लेट्स सी क्या होता है। मुझे लगा था सौरभ खड़ा हुआ कोई माला मुला लेके ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जैसे ही मेट्रो से बाहर निकला हूँ फ़ोन आया उसका कि भाई ऐसा ऐसा है, मैं थोड़ा लेट हो गया यूनिवर्सिटी से, डायरेक्ट बस लेके जो रूम तक आ जा। तो अभी फ़िलहाल बस का वेट कर रहा हूँ, कुछ पता नहीं है इस एरिया के बारे में, देखते हैं क्या बनता है। बताया तो है उसने स्टेशन का नाम सेमी यूनिवर्सिटी हुमन, वो आ रही है अपनी बस, इसमें जाना हमने। जय हिंद अभी तो जैसे बारिश का मौसम होना ये साफ नहीं दिख रहा, सीधा ऊपर चढ़ते हैं। अच्छा तेरा रूम वो उस बिल्डिंग में, उस बिल्डिंग में नहीं नहीं वो पीछे पार्ट नहीं उससे साइड वाली, ये वाली ऑरेंज वाली रोड पे रहता भाई है, महंगे महंगे लोग हैं। अरे नहीं सस्ता है, गरीब लोग हैं। और ये है यार फायदा है कि यहीं पे ये बस स्टैंड रहा और सीधा ऊपर चढ़ते ही यूनिवर्सिटी रही, जो बात है दांतों का अस्पताल है, साथ में अस्पताल है। फिर खिला रहा आज खट्टी खट्टी कड़ी की, अभी तैयारी चल रही है। मेरे को लग रहा है उठ के ही आया वहाँ सीधा ही है। और अभी तो शेक बना रहा था मैं तेरे, शेक देख रहा तू कैसा लगेगा, यहाँ से ऊपर जाओ ठीक है। अमीर लोग बेसमेंट में नहीं रहता, बेसमेंट में इसी बेसमेंट में रहता ना पहले मैं। अच्छा तो अभी ऊपर शिफ्ट कर लिया है, अभी पब्लिक यहाँ पे ज्यादा आ गई, कपड़े वपड़े फोड़ रखे हैं, अभी पैसे ज्यादा कमाने लग गया ना भाई। अरे अब बेसमेंट से ऊपर आ गए हैं यार, कमरा शुरू होते ही खत्म नहीं हो जाता, खत्म है। ओ यार सी दिस साइड ये किचन है, विंडो है और इस साइड बेड है भाई। लाइव में नहीं चलता पता ऐसे कैसे, मतलब बहुत बड़ा लगता है लाइव में। अरे नहीं लाइव में तो बनाते हैं ना बहुत बड़ा। आए आए थैंक यू थैंक यू भाई। ओ तेरी बादाम बादाम डाल देता हूँ वहाँ, हाँ हाँ दिमाग चलता रहे भाई। तो सामने तो ट्रेन में बहुत जगह होती है। ओए ओए मास्क की कीमत तुम क्या जानो। हाँ हाँ हैप्पी होली भाई हैप्पी होली। बस टीका लगा दिया तूने बढ़िया अच्छे वाला। ये बनाया सौरभ भाई ने मेरे लिए, क्या कस्टर्ड शेक, क्या बोला आपने क्या नाम दिया इसको, कस्टर्ड शेक ही होता है शायद, ये मेरे को भी ज्यादा पता नहीं है। अच्छा लग रहा है भाई देखने में तो, ये देखो इसको दोनों भाई पियेंगे। नहीं तेरे लिए बनाया, दोनों खाएंगे यार ऐसे थोड़ी होता है। हाँ तेरे लिए। जैसे किमची छोन होता है ना, किमची छोन तो खाया मैंने, उसी तरह होता है ये लोग यहाँ पे थोड़ा सा। ये बोतल की नीड क्यों तो खाता है, मैं वो बनाता हूँ ना कभी कभी किमची का वो परोठा। तूने खाया कुछ सुबह से क्या? ये वहाँ पे उन्होंने प्रोफेसर ने वो किया था। अरे वो क्या बोलते कस्टर्ड वाला जरूर खा ले, वो मैंने कल रात से मैं से बनाया है। ये तो अभी ये तो अभी लेके आया, अभी लेके आए थे। पहले बर्तन साफ करने पड़ेंगे फिर से मैं बनाऊंगी, दिखा दे कैसे बर्तन साफ करते हैं। खिड़की से अभी सेक्सी ठीक है मजेदार एक्शन। बंद कर रखा ना बाड़ा वो बाड़ा ना जाए। ये देखो जमाई थी बिल्कुल
ओके जमी है। तो अभी दिखा रहे तेरे निकाले डालेंगे, नमक डालेंगे एक चम्मच, छोटे वाली थोड़ी और अच्छी जमी हुई क्योंकि दही का भी अंतर है, एक दही जमाई मैंने, दो तरह की दही थी मेरे पास। आपको दिख रहा होगा ओ और ये बच गई तो दही तो ज्यादा ही डालनी पड़ेगी देखो भाई। ओ शाम को मेरे हिसाब से जो यहाँ पे जो इंडियन है ना उनको भी पता है मेरी दही कढ़ी कैसी बनती है, तो वो भी आएंगे अभी जीवन है यहाँ पे रात को। अच्छा? तेरे जाने के बाद जीवन तो अभी गाढ़ा मतलब तैयार हो चुका है, इसको जस्ट हमारे को थोक लगाना है अभी इसमें प्याज लगा वहाँ से वो साइड में का कटा हुआ है। अच्छा ज्यादा छोटे काटने हैं कैसे काटने होता, बस ऐसे बड़े बड़े रखा। अरे बात है भाई, कल तेरे भाई ने उबाले आलू, सोचा आज बनेंगे आलू के परांठे रूम पे, अभी तो कुकर में हो ज्यादा चौधरी बनावा तेल में जाके प्याज। नहीं नहीं यार गोल पीस बनाने थे ना तेरे को, गोल बनाने थे ऐसे बड़े बड़े, इसको इसको पहले दे इसको निकाल। वो तो निकाल दूंगा मैं, वो तो निकाल दूंगा, टेंशन क्यों ले रहा, मिर्च काट के दे दे मेरे को एक बार। ले एक दूजी दे रहा हूं ये देख लंबी मिर्च घूम रही है इसको चम्मच मार दे रहा, कैसे टूटेगी ये तड़के में तोड़नी होती भाई, तो तोड़ टूटती है मिर्च में अच्छी वो कर रखी है देख, मैंने चॉप पूरी की है ना भाई, कट जाएगी ये जब तक बनेगी तब तक कट जाएगी जब तक बनेगी तब तक हो जाएगी मिर्च, ठीक है कोई दिक्कत नहीं बात है। तो एक बार इसको बुला, ठीक है। दिन क्या हुआ ना सौरभ, घर पे ना मन हुआ ऐसे पकोड़े बनाने का ना तेरे भाई का, उधर शिमला में रहता था जब मैं इंडिया में, तो पापा नहीं थे घर पे, कोई भी नहीं था, कल्ला मैं ना, मम्मी उधर हरियाणा गई हुई थी और मैं कल्ला, मैं कहा चलो लाते हैं, फिर अप्पा लाए वो क्या बोलते हैं बेसन बूसन, अप्पा ने घोल दिया सारा डंगा ना, पहली बार देखो बनाने को आते नहीं, वो हो गया थिक पूरा एकदम बेसन, और अप्पा लबेड़ दी उसमें प्याज करके ना भाई, तेल था ठंडा ही रखा मैंने उस पे कढ़ाई पे, मेरे को थोड़ी पता भी तेल भी गर्म होने का वेट करते हैं है ना, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं था भाई, डाल दिए, मैं खड़ा हूँ तेल ही ला रहा हूँ ना, तो पकौड़ा हिल रहा ना, तो चिश पिश की आवाज आ रही, मैं कहा जब हलवाई बनाता तब तो बड़ा फूलते हैं फूलते हैं, मेरी क्यों नहीं हो रहे, ठीक है। फिर बापू कहने का टाइम होगा, मैं कहा पड़े निकालिया, तो मैंने कहा किया वो सारा ना उससे निकाला करची कुर्ची से सारा गंद निकाल दिया भाई ने, वो फेंक दिया सारा, मैं कहा छड़ भरी नहीं बने धक्के खा गए, फिर अब इतना तेल वेस्ट कर दिया था कढ़ाई में ना, बापू आएगा तो बोलेगा तेल कहाँ गया, ठीक है मैंने उल्टा डाल देता हूँ भाई, प्लास्टिक की बोतल थी गरम तेल डाल दिया होगा, गरम तेल उल्टा दिया यार मैंने उसके अंदर, एक मिनट लुक एट दिस मिट्री, इसको बोलते परफेक्ट शेफ, तो डिजाइन होना था पैदों के अंदर, ये ले भाई की डोले देखो भाई बस बस वैसे ही बोला था मैंने हवा में ही हो गया अब तो बेटा दिख रहा होगा मेरे पास दस्ताने खत्म हो गए, ये हो गया तैयार, क्या ये पकौड़ों का मटेरियल, मैं होता तो डबल बेसन डालता, खाते नहीं बनाने तेरे को कह रहा है सच्ची लगा मेरे ऊपर नड़ा दी बहुत गर्म यार, मैं ना बड़ा मैसी सा बंदा हूँ तो बोलता हूँ मैसी पर फिरता इधर उधर बचता रहता हूँ सच्ची बता रहा हूँ मैं ना घर में से ना उन पनौतियों में से ना बताता ना, मेरा बापू ने दो ईयरफोन लेके आया बंद डब्बे, ठीक है चंडीगढ़ से शिमला, ये ले एक तेरे बड़े भाई के लिए एक मेरे लिए, मैंने दिया बड़े भाई को एक डब्बा, ये तेरा ये मेरा भाई, उसके दोनों चल रहे थे, मेरा एक चल भी रहा था समझ रहा, तो पनौती ला सोच रहा कितना गंदा है मेरा, मेरे को एक दिन घर पे बोला कि फ्रिज में ना बहुत ज्यादा बर्फ जम गई है उसको निकाल दे, शिमला में फ्रिज कम ही यूज करते हैं लोग बट करना भी पड़ता है, तो बर्फ इतनी सारी हुई उसमें ना ऊपर, बोलते निकाल दे, मैंने चाकू लगाया मैं वहां सीधी गैस बाहर तो उसके बाद घर पे काम देते नहीं यार करने के लिए, ठीक है तो अच्छी
जैसे ही मीठी मीठी आंच पर तेल पकने लगे वो ना जो तेल मैं यूज करता हूँ, पहले अपने हाथ धोए, हाथ अच्छी तरह से धोए, कोरोना भी है ऊपर मटा यार, ये पानी छोड़ गया बेसन कोई बात नहीं, अच्छा करड़ा करड़ा हुआ था भाई। होली के शुभ अवसर पर पकोड़े तले जा रहे हैं, प्याज के पकोड़े हैं। शिवानी बोल रही होगी यार, बना भी तो प्याज के रहे हैं। आराम करो। ओके वेरी गुड। अरे गट्टी गाड़ी ले लो। यार ऐसे ऐसे बना के और यहाँ पे वो लगा ले रेडी। आया नहीं कड़ी चावल, कड़ी चावल एक छनन में थोड़ी सी कड़ी दे दे और थोड़े से चावल। ओह माय गॉड, छाड़ दिया, चढ़ गया सर। ओहो ओह माय गॉड, अब चला ले वो भू चलाना तो। साड़ दिया भाई, साड़ दिया। ओ तेरी है, ये था लास्ट का जरूरी तड़का। भाई क्या हुआ? ये तैयार होगी हमारी कड़ी, पकोड़े और चावल। वाह दिस लुक्स नाइस। जय जय राम जी की। तो ये बना ली है सौरभ भाई ने कड़ी, अभी टेस्टिंग करके देखते हैं कैसी बनी है। बताओ भाई कैसा बना है, पहले मैं कर लेता हूँ। रुक 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 रुक। हाँ चलिए सही है, लो टेस्ट लो, बताओ कैसा बना है। खट्टी आ रही है थोड़ी, थोड़ी खट्टी है, दही दही अपना दही बहुत अच्छी बनी है होता है, सच में बहुत अच्छी बनी है। फ्लेवर आप बड़े टाइम बाद आया, अगर फ्लेवर यार कड़ी का। अगर तुमने भी कुछ स्पेशल किया होली पर, ठीक है, और तुम्हारी भी कोई ऐसा है कुछ मैंने ये बनाया, या तुम भी अच्छे कुक हो तो तुम वो डिश लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में और हमें बता सकते हो, और कोशिश करेंगे हम भी नेक्स्ट टाइम को भी बनाने की, ठीक है। तो अगर वीडियो पसंद आई लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, और भाई का चैनल भी मैं लिंक में डाल दूंगा, भाई को भी फॉलो कर सकते हो जाके।